clip po. तो ये इंस्ट्रूमेंट है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं पीओ बॉक्स। इसका यूज़ जो है, जब शुरू में टेलीग्राफ यूज़ करते थे हम, टेलीग्राफ समझते हो, एफबी मोर्स जो सेना के जनरल थे, और सर चार्ल्स व्हीटस्टोन जिन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, इन दोनों ने मिलकर इन्वेंट किया था टेलीग्राफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन पे काम करते हैं। पहले संदेश जो भेजा जाता था या तो कबूतर या फिर बाज इसके पंजे में लगाकर, या फिर मैसेंजर दौड़ता था घोड़े पर, जो पैसे वाले लोग थे उनका मैसेंजर घोड़े पर दौड़ता था और जो गरीब लोग थे उनका पैदल पैदल जाता था। तो उसके बाद उन्होंने टेलीग्राफ जब बनाया, इन्वेंशन हुआ टेलीग्राफ का, तो उसके बाद वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होने लगा था। तो शहर से शहर, गांव से शहर, गांव से गांव तार जाते थे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिसेस तक, और उसमें कम्युनिकेशन के लिए हम वायर का इस्तेमाल करते थे। अब आंधी तूफान में कहीं पेड़ टूट के गिर गया तो वायर जो है वो टूट जाएगा, तो मेंटेनेंस में बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि तार कहाँ से टूटा है, कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए ये इन्वेंशन पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये डिवाइस बनाया गया। आज के समय में ये ऑब्सोलीट हो गया, खाली IIT JEE एडवांस के सिलेबस में और कुछ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, बाकी सिलेबस में नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, जैसा कि तुम फैमिलियर हो व्हीटस्टोन ब्रिज से। पी और क्यू रेशो आर्म्स, क्योंकि पी और क्यू का रेशो पता होता है, आर नोन आर्म, आर की वैल्यू हमें पता होती है, खुद ही इंट्रोड्यूस करते हैं, एस अननोन रेजिस्टेंस, सी डी इज अननोन आर्म। तो इसका स्ट्रक्चर अगर तुम इससे मिलाओगे, तो जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स में ब्लॉक्स होते हैं और नीचे रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, रेजिस्टेंस कॉइल, जैसे इस प्लग को मैं निकालता हूँ अगर, तो नीचे एक रेजिस्टेंस कॉइल लगी हुई है जो इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ जोड़ रही है, और उस रेजिस्टेंस कॉइल का रेजिस्टेंस है जो यहाँ लिखा है 1000 ओम। ठीक है, ऐसे 1 ओम है, 10 ओम है, 1, 10, 100, 1000, इधर भी 1, 10, 100, 1000। तो अगर इससे मैच कराते हुए तुम देखो तो ये पॉइंट सी हो गया, ये बीच वाला पॉइंट बी हो गया, ये टर्मिनल हो गया ए, इस तरह से ये एस बन रहा है। ठीक है, अब ये जो बी है वो यहाँ कनेक्टेड है इस की से, इसको बोलेंगे के डैश, जिसमें हम कनेक्शन बनाते वक्त गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, तो इसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर की पुश टू ऑन की है, टैपिंग की। और जो इधर वाली की है, ये की के, ये किससे जुड़ी हुई है, ए से, ये रेड लाइन जो आ रही है ना, इंटरनली कनेक्टेड है ए से, तो ये की जुड़ी हुई है ए से और ये जुड़ी हुई है बी से। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स अगर हम देखें तो ये ए हो गया, ए यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया, ये बी है इसे, ये सी है और ये हो गया डी। अब इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। ए और बी के बीच पी लगा हुआ है, तो ये रहा ए और ये रहा बी, इसके बीच जो रेजिस्टेंस है वो पी, बी और सी के बीच क्यू, तो इन दोनों में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करके हम रेशो मेंटेन करेंगे। फिर ये जो ए है और ये जो डी है, ए और डी के बीच ये पूरी ब्रांच जो यू शेप में आ रही है, ये पूरी ब्रांच रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम 1 ओम की स्टेप में रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, 5000 तक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ए और सी के बीच हम अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये जो एस लगाया हुआ अननोन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस वायर तुमको दिया जाएगा जिसकी वैल्यू तुमको निकालनी है। तो सी और डी के बीच, सी और डी के बीच अननोन रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच, तो सी से यानी यहाँ से जोड़ेंगे और ये डी इसके बीच जोड़ेंगे। बैटरी जो जुड़ रही है वो जुड़ रही है, बैटरी का पॉजिटिव ए पर, नेगेटिव की के थ्रू सी पर, तो ये बैटरी हम यूज़ करने वाले हैं, इसका पॉजिटिव इसको जोड़ेंगे ए पर और नेगेटिव जोड़ेंगे की के थ्रू सी पर, तो की जो है ए में लग रही है यहाँ से, तो बस अंतर ये है कि की यहाँ के बजाय कहाँ लगी हुई मान लोगे, इधर, फंक्शन सेम है, तो मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूँ इसके हिसाब से। सबसे पहले मैं बैटरी को ही जोड़ देता हूँ, हम चाहें तो एडिशनल एक और की ले सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि की इनबिल्ट है। तो मैंने क्या किया, टर्मिनल ए पर
पॉजिटिव जोड़ने के बजाय, बैटरी का पॉजिटिव ए पर जोड़ने के बजाय किस पे जोड़ दिया, ए डैश पर। तो उसको की के थ्रू मिलेगा कनेक्शन। जोड़ने का तरीका ये होता है कि ऐसे हुक बनाते हैं हम और ये जो इसमें ग्रूव है इसमें फंसा कर इसको टाइट कर देते। तो ये पॉजिटिव ए पर जुड़ गया, नेगेटिव कहाँ जाना है, सी पर। तो तार की लंबाई के हिसाब से, क्योंकि लंबाई कम है, या तो मैं एडिशनल एक तार और जोड़ूं इसमें, और मैं इसको जोड़ देता हूं सी पर। तरीका वही रहेगा, हुक बना के जोड़ना होगा। तो बैटरी कनेक्ट हो गई, अब मैं जोड़ता हूँ अननोन रेजिस्टेंस एस सी और डी के बीच में। तो ये सी है और ये डी है, तो इसका एक सिरा। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो हिस्सा तुमने ऐसे गोल घुमा दिया उस हिस्से का रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं होता। सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ उतना ही इंट्रोड्यूस होता है जहाँ से टच हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर टच हो रहा है तो यहाँ से टर्मिनल निकल रहा है बाहर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा, इतनी लंबाई का रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस होगा। इधर भी हुक बनाकर जोड़ देंगे। फिर हमें ध्यान रखना होगा ये बेयर वायर है, अगर ये कहीं इधर उधर टच होता है तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो ध्यान रखना है ये किसी मेटल के पार्ट पर टच ना हो, ये टूट गया तो इसको छोटा कर देते हैं। तो टच नहीं होना चाहिए किसी मेटल के पार्ट। अब जोड़ना है गैल्वेनोमीटर को एक डायगनल के अक्रॉस बी और डी के बीच यूजिंग की। तो बी से ऑलरेडी की जुड़ी हुई है, तो गैल्वेनोमीटर हम एक तो इस टर्मिनल पर जोड़ देंगे। बी डैश पॉजिटिव नेगेटिव अगर ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, हालांकि गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो मैंने बी को जोड़ दिया पॉजिटिव पर और जो नेगेटिव है वो मैं जोड़ देता हूँ डी पर, डी टर्मिनल ये यहाँ पर। तो ये तो बन गए कनेक्शन। हमें चेक करना है कि कनेक्शन सही बने हैं कि नहीं बने, वेरीफाई करेंगे इसको, इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको चेक करने का तरीका, सबसे पहले तो हम ये सारे प्लग देख लेंगे टाइट होने चाहिए। अगर कोई लूज होता है तो बिना हमारी जानकारी के रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है सर्किट, जो कि नहीं होना चाहिए। तो पहले सबको टाइट किया, मैंने पी और क्यू को 10-10 ओम निकाला। अब तुम सवाल पूछ सकते हो 1-1 क्यों नहीं निकाला, 10-10 ही क्यों, या 100-100 क्यों नहीं, 1000-1000 क्यों नहीं। हमें अंदाजा होता है ये जो अननोन रेजिस्टेंस हमने लगाया, जो रेजिस्टेंस हम इसमें यूज़ करें व्हीटस्टोन ब्रिज में, चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के अगर हैं तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सही सही निकाल पाते हैं। तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर मैं 1 ओम यूज़ करता हूँ तो ये जो कनेक्टिंग वायर मैंने कॉपर के यूज़ किए हैं इनका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम के ऑर्डर का है, तो 1 ओम अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस भी मुझे काउंट करना पड़ेगा जो अभी मैंने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 1 ओम अवॉइड करते हैं 10-10। तो अभी पी अपॉन क्यू कितना हो गया 1, तो आर अपॉन एस भी कितना होना चाहिए 1। तो अगर मैं इसमें आर एस के बराबर इंट्रोड्यूस कर दूँ तो ब्रिज बैलेंस हो जाना चाहिए, पर पहले हम चेक करेंगे सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसका तरीका यह है कि यहाँ 10-10 निकाला और यहाँ पर मैंने 1 ओम निकाल दिया आर में,
मैं पहले सेल की दबाता हूँ, दिस इज सेल की, और फिर मैं दबाता हूँ गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया टुवर्ड्स लेफ्ट 1 ohm लगाने पर। अगर मैं आर को कर देता हूँ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी वाला प्लग है, यानी नीचे जो है दोनों जुड़े हुए नहीं आपस में, एयर गैप है, हवा है, मैंने उसको कर दिया इन्फिनिटी। अब चेक करता हूँ तो डिफ्लेक्शन आ रहा है अपोजिट टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस जरूर होगा जहाँ पे 0 दिखा देगा, तब हम बोलेंगे ब्रिजेस बैलेंस्ड। और वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वही एस के बराबर होगी, क्योंकि पी अपॉन क्यू 1 है तो आर अपॉन एस भी क्या होगा 1 बैलेंस स्टेट में। तो मैंने इन्फिनिटी वापस लगाया 1 ohm पर, देखा डिफ्लेक्शन वापस से लेफ्ट, 3 ohm कर दिया, 2+1 3 सीरीज में जुड़े हैं सारे, डिफ्लेक्शन अभी भी लेफ्ट, 5 ohm कर दिया, 2+2+1 डिफ्लेक्शन अभी भी लेफ्ट, मैंने कर दिया इसको 9 ohm सेल की, फिर गैल्वेनोमीटर की, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया। तो मैं चेक करता हूँ पहले 7 ohm पर, 7 ohm पर भी अपोजिट आ रहा है, तो मैं चेक करता हूँ 6 पर, 6 पर थोड़ा सा राइट में आ रहा है, थोड़ा सा राइट। तो वापस से चेक करता हूँ, रेंज निकालता हूँ मैं, 5 पर डिफ्लेक्शन देखा टुवर्ड्स लेफ्ट, 6 पर देखा राइट जाके वापस लेफ्ट आ रहा है। अब इसमें तुम्हें एक कंसेप्ट ये समझना पड़ेगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है कई बार मिसलीडिंग डिफ्लेक्शन हमको दिखा देता है। जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हो वहाँ पढ़ते हो इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट की वजह से ये कई बार लेफ्ट में जाता जाता राइट में चले जाएगा। तो सेल की दबाने के बाद हम 2-4 सेकेंड वेट करते हैं करंट स्टेबलाइज हो जाए, नहीं तो क्या होती करंट एकदम से बढ़ती है तो बैक करंट एक आती है इंड्यूस होकर, उसकी वजह से मिसलीडिंग डिफ्लेक्शन दिखाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको दबा दें। तो हमको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस 5 और 6 के बीच में कुछ है, 5 ohm से ज़्यादा है पर 6 ohm से कम है। अब ये पता करना है कि 5 ohm से कितना ज़्यादा है, 6 ohm से कितना कम। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं पी को कर दूँ 100, पी को कर दिया मैंने 100, जबकि क्यू कितना है 10 है, तो रेशो क्या हो गया 10, तो आर अपॉन एस का रेशो भी क्या होना चाहिए 10, यानी एस अगर 5.5 है सपोज, तो आर कितना मिलना चाहिए 55 पर बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने उसको 100 कर दिया, पी को क्यू को 10 रहने दिया, और अब मैं 50 और 60 के बीच बैलेंस पॉइंट ढूंढूंगा 10 टाइम्स पर। तो 50 और 60 के बीच बैलेंस पॉइंट ढूंढने के लिए मैं पहले 55 पर ही देख लेता हूँ, इधर 50 इधर 5, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 55। सेल की दबाई, देन गैल्वेनोमीटर की, नो डिफ्लेक्शन, वही चाहिए था। वेरीफाई करते हैं, सेंसिटिविटी चेक करते हैं इसकी, अगर मैं 56 कर देता हूँ स्टिल नो डिफ्लेक्शन, ओके 58 कर दिया नो डिफ्लेक्शन, 59 कर दिया, चेक करते हैं क्या हुआ वापस से, क्योंकि डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा, इन्फिनिटी कर दिया अब आ रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट तो सही काम कर रहा है, ठीक है करंट फ्लो हो रहा है, पर इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई। क्यों कम हो गई, उसका रीज़न क्या है, इधर तो 10 है इधर 100, तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के नहीं रहे, तो एक रेंज में 0 दिखा रहा है, तो 5 ओम के लिए भी 55 के लिए भी 0 दिखा रहा है, इवन 59 के लिए भी, 59 के लिए थोड़ा सा रेस्पॉन्ड किया, 59 पे किधर जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, 59 नहीं है 60 एक्चुअली, 60 पर जा रहा है लेफ्ट, तो 60 में मैंने एक कम किया, ये 59 है, 59 पे थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहा है, अब ये 58 है, 58 है क्या 57 है, 57 पर अभी सेंस कर रहा है लेफ्ट जा रहा है 57 पर, पहले नहीं गया था अभी जा रहा है, हो सकता है कोई रेजिस्टेंस लूज रह गया हो, यानी अभी सेंसिटिविटी बढ़ गई ऐसा लग रहा है। 55 पर वापस चेक करता हूँ, लेफ्ट जा रहा है,
ओके 52 ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब 60 पर देखूं वापस, क्योंकि 5 और 6 के बीच था ना, 60 पर भी इधर जा रहा है। तो इसका मतलब पहले वाला ऑब्जर्वेशन परफेक्ट नहीं था, पहले वाले ऑब्जर्वेशन को वापस चेक करते हैं, या तो फिर सिस्टम में कुछ चेंजेस आ गए, तार कहीं और टच हो गया हिलकर, ये पॉसिबल है। अभी बीच में जो भी चेंज किया हमने उसकी वजह से, तो स्टेप रिपीट करता हूँ मैं, 110 की बजाय मैंने वापस क्या कर दिया 10 10, 1 ओम पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में, इन्फिनिटी पर राइट में, इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली, 6 ओम पर लेफ्ट में, 7 ओम पर राइट में, हाँ अभी वो 56 नहीं है, अब 60 और 70 के बीच मिल रहा है, यही चक्कर था, ये परेशानी थी उसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ तार हिला है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं अब 60 और 70 के बीच ढूंढूंगा इसको, तो मैंने किया 60, डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, अच्छा 100 नहीं किया, ओके इसको पहले 100 करते हैं, अब 60 इधर, 65 अपोजिट, यानी 60 और 65 से कम है, 62 इधर, 62 पर किधर आ रहा था लेफ्ट में, और 63 पर हल्की सी निडल हिल रही जरा राइट में, तो 62 और 63 यानी 6.2 और 6.3 ओम के बीच है, ये पता चल गया। अब मैं अगर और आगे जाना चाहता हूँ 6.2 6.3 डेसिमल के बाद दो प्लेस तक जाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ 1000 निकाल देंगे, 1000 निकाल कर अब ढूंढेंगे 620 और 630 के बीच, इधर मैंने 1000 कर दिया ना, रेशो बिकम्स 100, तो अब 100 टाइम्स पर बैलेंस होगा, तो किसके किसके बीच ढूंढूं, 620 और 1000 करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, 1 और 100 नहीं, एक ही बात होगी, हाँ इसमें जज नहीं कर पाएंगे, नो डिफ्लेक्शन 600 पे, नो डिफ्लेक्शन मतलब 620 पर नो डिफ्लेक्शन, और 625 पर सेंसिटिविटी कम हो गई इसकी, अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं, नो डिफ्लेक्शन, तो 6.25 मान सकते हो, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 6.25। इसको कैसे यूज़ करते थे, वायर लाइन का रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, उसका लॉजिक ये है कि तार कहीं से टूट के गिरा, वो जो दो पोल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे रखते थे कि तार अगर आंधी तूफान में कहीं से टूटे तो कोई ना कोई एक सिरा उसका अर्थ के कॉन्टेक्ट में आ ही जाए, तो अर्थ के कॉन्टेक्ट में अगर कोई एक सिरा आ जाएगा तो तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि पोस्ट ऑफिस में हमारे पास कौन सा एंड है, डी वाला, ये नेगेटिव हमने जोड़ दिया अर्थ पे, ठीक है इसको भी अर्थ पे नेगेटिव, तो वो सिरा जो टूट के गिरा है एस का वो अर्थ पे जुड़ा रहेगा। ये जो वायर की लेंथ है वो हमें पता करनी होती थी, जो तार हम लगाते थे वायर लाइन में उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता होता था, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ का पता है तो उस वायर की लेंथ निकाल लेते थे, तो उतनी दूरी पर जाकर संभालते थे, वहाँ टूटा हुआ मिलता था सही करते थे, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस तरह से काम करता है। एनी क्वेश्चंस?